हेलो दोस्तों, त्योहारों का समय है, उसमें पनीर की सबसे ज़्यादा मिठाई, सब्जी, हर चीज़ में पनीर लगता है। तो घर में ही हम उस पनीर को क्यों ना तैयार करें। उसी की विधि के लिए मैं आपको आज बिल्कुल घर में ताज़ा पनीर किस तरीके से बनाएं। और त्योहारों के समय में तो मिलावटी पनीर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में दिखाई देने लग जाता है, तो आपको मैं आज घर में ही बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पनीर बनाना बता रही हूँ, जिसमें ना तो समय लगता है और ना ही जो है आपको मिलावटी पनीर खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, मैं आपके ये देखो कितना सफ़ेद और झक पनीर, बिल्कुल बढ़िया पनीर बनेगा। आप इसके लिए लेंगे, हम 2 किलो दूध लिया है मैंने, ये फुल क्रीम दूध लिया है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम पनीर बनाते हैं तो उसके लिए फुल क्रीम दूध लें। इसको अच्छे से उबाल लें, खूब बढ़िया उबाला आ जाएगा तो हम इसे फाड़ने के लिए सिरके का प्रयोग करेंगे। सिरके का लेंगे हम 2 चम्मच और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फाड़ने के लिए। और ये एक साथ नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे और इसको हम लगातार चलाएंगे। ये देखिए पानी अलग हो गया, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों इसको अलग होने में, ये देखो। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से पका लेंगे ताकि जो है इसमें पनीर का कोई भी हिस्सा रह ना जाए। ये देखिए, इसको हम बराबर चलाएंगे, अगर लगे, ये देखो बिल्कुल अलग हो गया है पनीर। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो से नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना करें। ये देखिए, इतने समय में हमारा जो है पनीर भी अलग हो गया। ये मैंने लिया एक मलमल का कपड़ा, आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी से भी काम चल जाएगा। इससे हम एक पतीले को कवर कर देंगे और इसके अंदर हम जो है अपना सारा जो है फटा हुआ दूध इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बड़े ही आराम से डालना है क्योंकि ये गर्म है, कहीं इसके छींटे ना लग जाएं, अपने आप को सेफली रख के। ये देखिए, हमने इसमें सारा का सारा पनीर जो है निकाल देना है। और बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है। बस इस प्रोसेस को जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर किया जाएगा तो आपको बिल्कुल बाजारी पनीर प्राप्त होगा। ये देखो, और ये पानी भी बहुत हेल्थी है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे हम सूप बनाएंगे, सब्जी में डाल सकते हैं आप इसे, आटा लगा सकते हैं। और ये वैसे भी जो है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे हम। ये देखो, पनीर को हम बिल्कुल अच्छे से बांध लेंगे। गर्म है तो थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखें और इसे हम ठंडा होने से पहले इसे बांधना भी है, तो इस प्रोसेस को ध्यान रखें। ये देखिए, इस पानी के लिए, इस पानी को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। यह भी विटामिनों से भरपूर होता है, सेहत के लिए तो अच्छा ही होता है। ये देखिए, हमने लिया है एक पतीला और उस पर ये दूध ढकने वाली छलनी, गर्म है इसीलिए इसके ऊपर रख के हम, ये देखो, चमचे की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से दबाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। हाथ में रखेंगे तो हाथ जलने का डर रहता है, इसीलिए हम इस छलनी की मदद से, ये देखो, इस जाली से ये पूरा पानी हमने इसमें निकाल दिया है। अब लिया है हमने बिल्कुल चिल्ड पानी, जितना ठंडा पानी आप लोगे उतना ही अच्छा आपका पनीर बनेगा। ये देखो, गरम गरम पनीर को हम इसमें पूरी मुट्ठी को अच्छे से पकड़ लेंगे, पोटली को छूटनी नहीं चाहिए पानी के अंदर, और इसको अच्छे से धो लेंगे। देखो कितना सफ़ेद पानी निकला है। इस पानी को हम 2 से 3 बार बदल लेंगे, ये देखो, जब तक इसका पानी जो है सफ़ेद आना बंद ना हो जाए। देखो बिल्कुल कम हो गया है और ये इसका मतलब हमारा पनीर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम निचोड़ लेंगे। ये देखो, अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो कि नहीं अभी भी थोड़ा सा वाइट पानी निकल रहा है तो इसको एक बार और, इसके 2 फायदे हैं, एक तो इसमें स्मेल नहीं होगी, दूसरा इस पनीर को आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में सेफ, कम से कम नहीं तो हफ्ते भर इस पनीर को आप जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ना ही कोई स्मेल आएगी और बाज़ार से भी बढ़िया पनीर आपको जो है मिलेगा। ये देखो, हमने बिल्कुल जो है इसको चारों तरफ से कहीं से भी जो है पनीर जो है जैसे हम धो देते हैं ना उस तरीके से हम इसको धो लेंगे। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा पनीर जो है तैयार हो गया है। दोस्तों, आप अपने को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना करें। ये मैंने एक थाली ली है और इसके ऊपर वही जाली हमने फिट कर दी है। अच्छा, जब हम पनीर को बांधते हैं ना तो लोग पोटली बांध देते हैं,
पोटली नहीं बांधेंगे हम, इसको साइड में ले जाएंगे कपड़े को, ये देखो, ताकि हमारे पनीर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बिल्कुल सीधा पनीर प्राप्त हो। ये देखो, इसको हम एक तरफ से कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम जो है वजन रखेंगे, अगर वजन नहीं हो तो जितना पनीर हम ले रहे हैं इसे तीन गुना पानी हम एक बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर इसे रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा, जिससे कि पनीर जो है थोड़ा सा दब जाए और इसके अंदर से पानी निकल जाए। ये प्रोसेस का बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, 1 घंटा हो गया है और हमारा पनीर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखो, मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ सफ़ेद और बहुत ही बेहतरीन। कभी भी आप झटपट इसे तैयार कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको जो है बिल्कुल फ्रेश घर का बना हुआ पनीर प्राप्त होगा। ये देखो कितनी बढ़िया चक्की बनी है। अब इसको हम ठंडे पानी में, अगर आपने उसी टाइम इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको हम ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे, ताकि इसका एक तो वज़न बढ़ जाएगा और दूसरा जो है इस ये कम से कम हफ्ते भर तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इसको अगर हमने रखना है तो इसी तरीके से पानी में डाल कर रखेंगे। ये देखिए, मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है तो फिर मैं इसको काट कर दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना सॉफ्ट पनीर है दोस्तों। जब आप बनाएंगे तो आप भी इसको पूरी तरीके से इंजॉय करेंगे। अब इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसके पनीर टिक्के भी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं और इसके पराठे बना सकते हैं आप। मतलब इसका कोई भी इस्तेमाल जो है, ये देखो कितना सॉफ्ट और कितना, ये देखो कितना बढ़िया जमा है हमारा पनीर। आप भी इसको फटाफट बनाएं और इंजॉय करें। ये देखो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें, आपका हर कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है इनक्रेज करता है कि मैं आगे से आगे आपको कुछ नया सिखाऊं। ये देखो मेरा पनीर तो तैयार हो गया है। अब देखते हैं आप कब इसे बनाते हैं और मेरे साथ अपनी पनीर की फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स मुझे बराबर मिलते भी रहते हैं। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास पनीर तैयार हो गया है। आप भी अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये वीडियोस शेयर करें और उन्हें भी बताएं। ये देखिए, झटपट पनीर का मज़ा लें। जल्दी ही मैं आपको इस पनीर की सब्जी किस तरीके से बनाएं, शाही पनीर या कोई और रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।